कैंट थाने की पुलिस ने हत्या की घटना को कारित करने के उद्देश्य से अपहरण के आरोप में जेल में बंद अभियुक्त को रिमांड पर लेकर सामान बरामद किया, जिसके संबंध में कैंट थाना प्रभारी शशिभूषण राय ने बताया कि मुखबिर की सूचना पर एक अभियुक्त को रामपुर पड़वा में झाड़ियों के बीच से गिरफ्तार किया गया है, जिसकी पहचान सचिन यादव पुत्र पूरन प्रसाद यादव निवासी मोहल्ला गिरधरगंज बाजार कूड़ाघाट थाना कैंट जनपद गोरखपुर के रूप में हुई है, जिसके पास से एक अवैध देसी पिस्टल, दो जिंदा कारतूस, घटना में प्रयुक्त कार को बरामद किया गया है। कैंट थाना प्रभारी ने बताया कि वादी ज्वाला निषाद पुत्र लल्लन निषाद निवासी सिंगरिया थाना कैंट गोरखपुर द्वारा 5 अगस्त को बीकेश शुक्ला व सचिन यादव पुत्र पूजा प्रसाद यादव निवासी गिरधरगंज थाना कैंट गोरखपुर शक्तिधर पुत्र व अन्य दो व्यक्तियों के द्वारा वादी मुकदमा को मारने पीटने व गाली गुत्ता देकर पिस्टल दिखाकर गाड़ी में बैठाकर अपहरण किए जाने की सूचना के आधार पर कैंट थाने में मुकदमा पंजीकृत किया गया, जिसमें विकेश शुक्ला पुत्र गिरजेश शुक्ला निवासी गौरी बाजार मोहल्ला पालन कुंडा थाना गौरी बाजार जनपद देवरिया, अंशुमन गौड़ पुत्र अनिल गौड़ निवासी आवास विकास कॉलोनी थाना कैंट, शिवम सिंह पुत्र प्रमोद सिंह निवासी आवास विकास कॉलोनी थाना कैंट को गिरफ्तार कर जेल भेजा जा चुका है। 18 अगस्त को शक्तिधर सिंह पुत्र रवि प्रताप सिंह निवासी गरबा खंडेश्वर थाना घुगली जनपद महाराजगंज व 20 अगस्त को सचिन यादव पुत्र गुंजा प्रसाद निवासी गिरधरगंज थाना कैंट गोरखपुर द्वारा न्यायालय में आत्मसमर्पण कर दिया गया। न्यायालय से आला असलहा बरामद करने के लिए सचिन यादव को रिमांड पर लिया गया। इसके निशानदेही पर घटना में प्रयुक्त सामान को बरामद किया गया, जिसको जेल भेज दिया गया। गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम में कैंट थाना प्रभारी शशिभूषण राय, विश्वविद्यालय चौकी प्रभारी अमित चौधरी, सुशील कुमार यादव, कांस्टेबल विनोद कुमार यादव, अखिलेश कुमार सहित अन्य लोग मौजूद रहे।